नमस्ते फ्रेंड्स, आर एन टैरो में आपका स्वागत है। जब भी हम नाइट्स की बात करते हैं, नाइट्स स्टैंड्स फॉर लॉट ऑफ एनर्जी, पैशन। दीज आर यंग पीपल एंड दे हैव लॉट्स टू डू, दे हैव लॉट ऑफ एम्बिशन। जब भी नाइट आपकी रीडिंग में आता है, वो हमें ये बताता है कि दैट यू आर एट अ पॉइंट वेयर देर इज़ लॉट ऑफ एनर्जी विच इज़ बीन गिवन टू यू एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योर ओन सेल्फ or for a project or for anything whatever you like. So nights are kind of special. और आज जिस night की हम बात करने वाले हैं वो है night of wands. Night of wands के सबसे पहले हम keywords में जाएंगे. Night of wands के keywords हैं energy, passion, inspired, adventure, impulsiveness, scattered energy and haste. तो जब हम इस कार्ड के पिक्चोरियल में जाते हैं, हमें ये देखते हैं कि एक मेल फिगर जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हॉर्स के ऊपर जो है वो सवार है एंड दिस स्ट्रॉन्ग हॉर्स हैज़ लॉट ऑफ पावर एंड इट कैन टेक हिम वेर एवर ही वॉन्ट्स. तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि घोड़ा जो है वो भाग नहीं रहा है, घोड़ा जो है अपनी ही जगह पे जो है दो टांगों पे खड़ा हुआ है, विच इज़ अ डिस्प्ले ऑफ एक्शन एंड डिस्प्ले ऑफ एडवेंचर, डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ. सो सबसे पहला जो हमें इससे जो है इस इमेज से जो है हमें मैसेज आता है वो ये कि दैट देर इज़ एन एक्शन बिफोर एक्शन, कि एक्शन करने से पहले ही जो है नाइट के जो है अपना एक्शन जो है वो दिखा रहा है, विच इज़ अ सिम्बॉलिकल मीनिंग, विच मीन्स यू नो दैट दिस पर्सन इज़ अ पॉपुलर फिगर. और ये कुछ भी करने से पहले इट एक्चुअली लेट्स एवरी वन नो, वो उसका मैसेज हर जगह पर स्प्रेड हो जाता है बिफोर ही टेक्स दिस एक्शन. सो बाकी फिर हम देखते हैं कि ही इज़ ऑल सूटेड अप, विच इज़ अ सिंबल दैट ही इज़ ऑल प्रोटेक्टेड, ही हैज़ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. इसके पीछे जो है हम तीन माउंटेन पीक्स देखते हैं, वो तीन माउंटेन पीक स्टैंड करता है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्लेन के लिए, विच बेसिकली हमारे को ये इशारा देता है कि दिस नाइट, दिस पर्सनैलिटी हैज़ द पावर टू गो इन टू एनी डायरेक्शन ही वॉन्ट्स, whether it's physical, whether it's mental or whether it's spiritual, all these three options are open in front of him, which also means that he has this power and which he can use for himself and create the life what he actually wants. Is knight ke sath jo hai ek baat aur bhi hai, although he is like a very strong personality, he has lot of power, but he is someone who is little confused. And some knights, I think out of four nights, three are confused and this is one of them. So इस नाइट के साथ हम ये देखते हैं कि लाइक ही सिटिंग ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग हॉर्स. ओके, अब आप दोनों के साथ कंपेरिजन करिएगा. नाउ यू ऑल्सो सी हिज फेस वेरी क्लियरली एंड यू सी द मूमेंट विच इज़ शोन विद द हॉर्स. अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, आपको लगेगा कि कोई तालमेल नहीं बैठेगा, कि समवेयर ही इज़ इन सम अदर वर्ल्ड एंड he is not really actually here, which is signifying, you know, like he does lots of action but he is not really present in the moment. While he is taking this action, he is actually thinking of some other action which he should do, and as a result he is not present in this action, which basically means, you know, like his energy is all scattered. Since he has lot of vitality, he has lot of strength, so he wants to do everything. And this is the problem with this knight is, you know, like he starts something but he never finishes it. He is not able to finish it. Agar is card ko hum lovers ke point of view se dekhenge, this is someone who is a very passionate lover. He is someone who is like a very pleasing personality. You will fall in love with this person. He is a big flirt. So when I'm saying he, it could be she also. I'm mostly talking about the figure here. You know, I'm mostly talking about, you know, the kind of energy which this card holds. So
इफ़ यू हैपन टू गो ऑन अ डेट विद दिस पर्सन वेदर मेल और फीमेल इट कुड बी एनी वन नाउ इट विल फील लाइक यू हैव मेट समवन हु इज़ लाइक योर पास्ट लाइफ पार्टनर और समथिंग यू विल कनेक्ट विद हिम इंस्टेंटली सडनली यू विल फील यू नो लाइक वाओ सच अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग हैज़ हैपन्ड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम इन टू माई लाइफ एंड सडनली वॉट हैपन्स यू हैव अ वेरी गुड टाइम एंड यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर लाइफ विद हिम यू विजुलाइज एवरीथिंग यू नो दैट यू विल हैव अ फैमिली विद हिम यू विल हैव किड्स विद हिम एंड एवरीथिंग बट द मोमेंट ही सेज गुड बाय यू थिंक यू नो यू विल कॉल हिम ही विल कॉल यू बट नथिंग ही जस्ट डिसअपीयर्स दिस पर्सन नेवर कॉल्स यू बैक वाई ही डजंट कॉल यू बैक बिकॉज ही इज लाइक सो मच गोइंग ऑन इन हिज लाइफ देयर इज लाइक लॉट ऑफ बिग एनर्जी विच इज सिटिंग ऑन हिज शोल्डर्स यू नो विच इज नॉट लेटिंग हिम सिट तो एक तरह से इसका ये वरदान भी है और श्राप भी है दिस इज हिज ब्लेसिंग ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो हिज डिसग्रेस ऑल्सो वेयर ही इज नॉट एबल टू रियली लिव द मोमेंट वॉट ही रियली वॉन्ट्स टू लिव ही कॉन्ट रियली सेटल डाउन the horse in itself the way it is shown it is basically symbolical you know like he can't really sit because he there is like a lot of movement which is shown here you know he just want to go you know he just want to like do things you know because he want to spend this energy and because this the kind of a person the way he is shown what happens is like sooner or later you know like he lands into trouble he lands into a kind of a situation where he loses the energy loses the money or loses someone so close to him so this person is always has like full confidence inside and always like lot of energy sitting inside of him he just want to like go on action and the only problem with this person is you know like he has no plan he will just do whatever is comes in front of him whatever comes in front of him he just lives it and the next moment he just start doing something else so you can actually call him the testosterone guy he has lot of testosterone he has lot of energy inside sitting of inside of him when I am saying testosterone it basically it is also pointing towards like lot of sexual energy is like also indicated with this card so whenever this card is coming into your reading it's a blessing also and but at the same time you just have to be careful it's a blessing because you have this energy which has been given to you and you can use it for your own use whatever you want if you want to create something for yourself you can create you if you want to create a relationship with someone that is possible if you want to bond up with someone emotionally that is possible if you want to go on a spiritual journey that is also possible the only problem with the band is he has to be stable probably you know like his horse which is like standing on the two legs he has to come on both all the four legs so that the stability can happen and this kind of a relaxation can actually happen with this person I would also like to talk about his dress there is a chameleon which is shown all over his dress which is symbolical that if he lands into trouble if he is somehow is in a situation where he doesn't want to be he has the ability to come out of it how come he has a very strong ability plus he has a strong intuition and also he has a strong horse which can take him to whatever direction he wants so these are not the people where you know you can let them do things what you want they will always do things what they want to do and they will always be in the places where they want to be they have this power and blessing which has been given to you being with them is not easy the only way to being with them is you know like you will have to be with them that's how the knight of wands operates so this was my reading for you a quick one for knight of wands I hope you enjoyed it I will see you in my next one thank you so much for watching namaste